हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है मुदित और आप देख रहे हैं आरसी चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से चैनल पे। आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं आज अनबॉक्सिंग के लिए, मतलब जिसमें से एक मैं तो ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ। एक्चुअली ये जल्दी आ गया था और ये लेट आया था, और मेरे को ये दोनों की ज़रूरत थी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मुझे लगा ये टाइम लगाएगा, इसलिए मैंने कहा इसका रिटर्न पीरियड ओवर होने से पहले इसको खोल के देख लूँ कि कहीं कुछ घपला ना हो गया, तो अगर ताकि मेरे को रिटर्न करना पड़े तो कुछ कमी वमी हो तो मैं पहले से ही पता लग जाए। तो अपने थंबनेल्स में तो देख लिया होगा कि ये क्या है। तो एक लैम्प के लिए मैं, मतलब एक लैम्प का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक लैम्प का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसमें क्या है, मैंने ये लैम्प मंगाया है फ्लिपकार्ट से, और ये एक बल्ब है। तो इसकी अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं। ये पहले मैं आपको लैम्प दिखा भी देता हूँ कि ये इस तरह का लैम्प है। ये टेबल साइड लैंप है, तो इसका तान जो निकल के गिर गया है सारा। ये कुछ इस तरह से इसका है, इसको लाइटिंग को इफ़ेक्ट देने के लिए। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पे अंदर आपको बल्ब फिट करना है, और उसके बाद इसको आपको ऐसे डाल देना है, और ये इसका कैप है, ये बस ऐसे रखना है आपने, और ये टेबल के साइड में आप रख सकते हैं। तो पहले इसकी अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे इसमें ये कमी लगी कि ये थोड़ा सा लूज़ है, मतलब फिटिंग एकदम टाइट नहीं है। अगर ये टाइट होता तो ज़्यादा सही रहता, मतलब अब अगर ये हिलेगा तो ऐसे आवाज़ करता रहेगा। और हाँ, थोड़ा सा जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने इसको पहले अनबॉक्स कर लिया था तो इसमें कुछ कमी निकली, जैसे कि ये प्लग था, ये क्रैक था। लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसको मतलब रिटर्न करके दोबारा मंगाऊँ, तो मैंने कहा ठीक है, इतना मैं मैनेज कर लूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप केबल को यहाँ से काट के वो भी चेंज भी कर सकते हैं। और दूसरा, अंदर जो होल्डर है बल्ब वाला, उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जो मैंने सही कर दिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली ये भी प्रोडक्ट आ चुका है, तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं, मैंने एक दूसरे नाइफ का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे अनबॉक्सिंग के लिए। तो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, अराउंड 200 का पड़ा। आपने लेना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। इसमें ये यहाँ पर लॉक मैकेनिज़म है, और ये पुश स्विच से खुलता है। जैसे आपने ये लॉक खोल दिया और इसको हमने प्रेस किया तो ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो सही है, मतलब अनबॉक्सिंग के लिए स्टाइलिश है, थोड़ा अच्छा लगा मुझे। और ये जो मेरे दो प्रोडक्ट मैं जिनका रिव्यू कर रहा हूँ, ये मुझे मिले हैं सिर्फ 150 या 170 के बीच में मिले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया हो। तो वो कोई क्लिप बेट नहीं है, वैसे ही प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन एक्चुअली मेरे पास एक गिफ्ट वाउचर था जिसका मैंने यूज़ करा, वो 500 का गिफ्ट वाउचर था, तो मुझे डिस्काउंट में पड़ गए। तो मुझे सिर्फ इसका, मतलब ये दोनों का मिला के 650 या 660 कुछ समथिंग इनका टोटल अमाउंट था, तो जिसका मुझे कम देना पड़ा क्योंकि मेरे पास 500 का गिफ्ट वाउचर था, तो मैंने वो अप्लाई कर लिया था। तो थंबनेल में कोई क्लिक बेट नहीं है अगर आपको लग रहा हो, मतलब मैंने उसमें स्पेशली लिखा कि मुझे इतने का पड़ा ये। तो ये है काफ़ी बड़े बॉक्स में इन्होंने ये छोटा सा प्रोडक्ट भेज दिया। ये उसका बिल है, इसको साइड में रख देते हैं। इसकी पैकेजिंग देखते हैं, पैकिंग सही है, मतलब इतने बड़े बॉक्स में तो कोई इशू होना भी नहीं चाहिएगा। सबसे पहले देख लेते हैं, यह है स्मिच का वाईफाई RGB स्मार्ट बल्ब है, 10 वॉट का है, और इसकी लाइटिंग है 2800K to 6500K। यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें इन्होंने लिखा कहीं से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाईफाई वाला, तो वाईफाई के आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। और 16 मिलियन कलर, और ये इसमें एक और फीचर भी है कि आप इसको मतलब म्यूज़िक बजा रहे हैं तो उसके साथ सिंक कर सकते हैं। तो मतलब म्यूज़िक में जैसे इक्वलाइज़र होता है, उसी की तरह इसकी लाइट्स भी चेंज होंगी, मतलब म्यूज़िक के साथ साथ। बाकी इसमें अलग अलग कलर हैं, इसके साथ एक ऐप होती है, मतलब ऐप आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी फ़ोन में, उससे आप कोई भी मतलब वो चूज़ कर सकते हैं कलर कौन सा आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है, आपको ये देखना तो आप पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही ये कुछ इनकी मैन्युफैक्चरिंग, और हाँ सबसे बड़ी बात ये कि ये मेड इन इंडिया है, तो वो भी बहुत बढ़िया है कि काफ़ी दिन से चाइना चाइना हो रहा था हर चीज़ में, तो अब थोड़ा सा आराम मिला इसको, मतलब ये प्रोडक्ट लेने के बाद मुझे भी, कि मतलब हर जो भी प्रोडक्ट था चाइना चाइना वाला हो रहा था। इसको पहले रख देता हूँ, इससे मुझे डर और लग रहा है, बहुत एकदम से खुल जाता है।
तो अंदर खोलते ही ये कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन बुकलेट है। इसमें आपको दिखाया हुआ है कि ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जब मैंने प्रोडक्ट लिए थे तो इनका प्राइस था, इसका 299 का था, उस टाइम सेल चल रही थी तो प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को लेना हो तो आप चेक करते रहना, प्राइस ऊपर भी हो जाता नीचे भी हो जाता। तो अभी शायद सेल चल रही है तो हो सकता है कि और प्राइस आपको कुछ बढ़िया मिल भी जाए। और जो लैंप है, लैंप भी मैंने समथिंग मैं आपको प्राइस स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा अभी। तो ये दोनों मैंने इकट्ठे ऑर्डर किए थे। तो ये है गाइस हमारा बल्ब, यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है। और ये नॉर्मल मतलब जो हमारे यूजुअल एलईडी लाइट बल्ब होते हैं उसी की तरह ही है, बिल्कुल शेप भी वैसी ही सेम। तो चलिए फटाफट इसका टेस्ट कर लेता हूँ मैं, मतलब इसी में लगा के देख लेता हूँ। ये ऐसे फिट हो गया, ये ऐसे बंद कर देंगे और इसको ऐसे रख देंगे। तो यहाँ स्विच बोर्ड आप देख सकते हैं मैंने लगा दिया। वैसे मुझे मतलब मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि बेड पे आप लोग ऐसी टेस्टिंग करें, बट अभी मेरे पास थोड़ा सा मेरा कमरा दिवाली की सफाई की वजह से ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। इसमें पता नहीं फिट भी आएगा, थोड़ा सा स्पार्किंग कर रहा है। तो एक सेकंड में आपको, तो आप देख सकते हैं कि ये कलर बदल रहा है। अभी कौन सी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हुई पड़ी है मुझे भी नहीं पता। तो आप देख सकते हैं इसमें कैसे कलर चेंज हो रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगा, तो ये कुछ इस तरह से चल रहा है। तो एक बार हम इसकी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसमें फंक्शन करता है। तो ऐप इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इसके बॉक्स पे ही नीचे QR कोड दिया हुआ है, उसको आप स्कैन करके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें iOS का सपोर्ट भी है और एंड्रॉयड के लिए तो है ही। तो ये है इसकी ऐप, मैंने स्कैन किया, मैं अभी iPhone में डाल रहा हूँ। तो एक बार मैं ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जब आप ऐप ओपन कर लेंगे तो आपको ये रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, आप ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये वाईफाई में जाके बोलेगा कि आपको ये इस तरह का डिवाइस का नाम दिखाएगा, उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट होने के बाद ये आपको मतलब वापस आप ऐप में आ जाएंगे तो ये दिखा देगा आपको कि कनेक्ट हो चुका है। अब आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका डिवाइस कहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं अभी बेडरूम ही सेलेक्ट कर दूँगा। ये इसलिए होता है ताकि ये आपके आपने जैसे दो से ज़्यादा बल्ब अगर इनके लिए हुए हैं तो ताकि आपको पता रहे कौन सा बल्ब कहाँ पर, ताकि आप रिमोटली उनको स्विच ऑफ ऑन कर सकें या कलर चेंज कर सकें। तो गाइस बड़ी मेहनत के बाद ये हो गया है हमारा डिवाइस कनेक्ट। तो मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ, पता नहीं ढंग से ऐप दिखेगी नहीं दिखेगी आपको। तो ये अभी ऑफ है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए ऑन हो चुका है और इसमें आप इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा कलर पैटर्न खुल गया, आपने कौन सा करना है अभी येल्लो करके देख लेते हैं। ये येल्लो और ऑरेंज मिक्स है, ये प्रॉपर येल्लो हो गया। टेम्परेचर इफेक्ट वाले में आप सिंपल ये तीन मोड होते हैं, एक वाइट वाला हो गया, ये थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का, और ये येलो वाला। तो आप रैंडम वाला भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये आप रैंडम सेलेक्ट करके छोड़ देंगे तो ये अपने आप कुछ कुछ देर में कलर चेंज करता रहेगा, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है उसके लिए रूम में। वैसे ये बल्ब और चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, लैंप में और मतलब वैसे वॉल पे। तो मुझे लगा कि दीवार पे लगाना सही नहीं रहेगा तो एक लैंप मंगा लेता हूँ, इसलिए मैंने ये लैंप मंगाया। तो आप इसमें देख रहे हैं कैंडल इफ़ेक्ट भी है, जैसे कैंडल फ्लिकर करती रहती है तो उसी टाइप का ये इफ़ेक्ट है कि मान लो इसमें कैंडल जल रही हो। बाकी इसमें म्यूज़िक फंक्शन भी है, इसको भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसका म्यूज़िक वाला मोड ऑन कर लिया है। आप सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं, जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, ये कम साउंड में भी काम करेगा। तो आप बीच में इसको रखें बैलेंस में थोड़ा, मतलब आप अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए हल्की सी आवाज़ से
इसने कर दिया, क्योंकि इसमें होता क्या है कि ये इस जैसे मैं इस डिवाइस पे इसकी ऐप चला रहा हूँ तो इसका माइक यूज़ करता है और कुछ भी इसको सुनाई साउंड सुनाई देती है तो उस पर रिएक्ट करता है। तो मैंने ये दूसरा फ़ोन लिया है, मैं इसमें म्यूज़िक चलाता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कितना अच्छा लग रहा है ये तो, बट इसमें मुझे बस यही प्रॉब्लम लगी कि आपको एक फ़ोन को मतलब इसमें थोड़ा सा वो फंसा रहेगा, एक फ़ोन आपका इस टास्क में, बट ठीक है, कभी कभी के लिए सही है। तो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी सही लगा, और मतलब ये लैम्प का जो मैंने प्रोजेक्ट था कि इसको मैं इस चीज़ में यूज़ करूँगा, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया कि मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, एकदम सही। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वैसे दिवाली आ रही तो मैंने सोचा कुछ लाइट से रिलेटेड ही करूँ। और हाँ, ये जो लैम्प शेड है इसमें LED और CFL यूज़ करना है, ऐसा इन्होंने लिखा है मतलब उसमें जो जहाँ से ये ख़रीदा मैंने फ्लिपकार्ट पे। तो आपको भी अगर मंगाना हो, मैं लिंक ये सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप भी मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे दिवाली आ रही है तो हैप्पी दिवाली आप सबको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, टिल देन, बाय।